हेलो फ्रेंड्स, दिस इंजीनियर प्राइड, माई सेल्फ सर्वेश श्रीवास्तव. फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट. ओके फ्रेंड्स, रिस्क का एनालिसिस करना, ये जो वर्ड है टोटल वर्ड, ये रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट, ये दो वर्ड से मिलके बना है. पहला तो रिस्क एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट. ओके, रिस्क का एनालिसिस करना और फिर उसको मैनेज करना, उसको हैंडल करना. ठीक है फ्रेंड्स, तो इन दोनों को हम लोग कलेक्टिवली, इन दोनों वर्ड्स को हम लोग कलेक्टिवली रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट बोलते हैं. देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि किसी भी प्रोजेक्ट में, हम जब भी कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, तो हर एक प्रोजेक्ट में कई सारे रिस्क एसोसिएटेड होते हैं, उसके साथ कई सारे रिस्क जुड़े हुए होते हैं. हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ही है कि हम लोग हाई रिस्क एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं. और यदि कोई प्रोजेक्ट मैनेजर इन रिस्क को हैंडल नहीं कर पाया, तो इसका मतलब यह है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को, प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाएगा. ओके, रिस्क एक इवेंट होता है जिसमें कुछ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड रहती है, जिसमें कुछ अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता एसोसिएटेड रहती है कि क्या होगा पता नहीं. मतलब कि पूरी तरीके से अनसर्टेनिटी तो नहीं, लेकिन भी कुछ अनसर्टेनिटी रहती है. ओके, ये जो रिस्क हैंडलिंग या जो रिस्क मैनेजमेंट, ये जो टॉपिक है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि जब कभी रिस्क को ढंग से हैंडल नहीं किया गया, रिस्क का मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं था, तो उस केस में प्रोजेक्ट ही बंद हो जाते हैं, प्रोजेक्ट ही आपके खटाई में पड़ जाते हैं, या प्रोजेक्ट आपका काफ़ी लॉस हो जाता है प्रोजेक्ट में. ओके फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं. तो आइए थोड़ी सी डिफिनीशन लिख लेते हैं इसके बारे में, क्या होता है रिस्क और इसमें क्या क्या करना है हमको. रिस्क इज एन इवेंट Risk is an event that has some degree of uncertainty that has some degree of uncertainty associated with it. Okay, risk can be defined as variability of return from an investment. Obviously, business में हम लोग investment और returning इन्हीं दो चीजों के बारे में सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट करने पे कितना रिटर्न मिल रहा है. तो रिटर्न जो मिलने वाला रहता है वो वेरिएबल हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है रिस्क की वजह से. रिस्क कैन बी डिफाइंड एज द Risk can be defined as the variability of return from an investment. Of return from an investment. Okay. If the probabilities of possible outcome
इफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ पॉसिबल आउटकम. अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे ये जानना जरूरी है कि ये जो रिस्क वर्ड है इसे यूज ही क्यों कर रहे हैं जब इसके साथ कुछ अनसर्टेनिटी जुड़ी हुई है, अनिश्चितता जुड़ी हुई है, तो क्यों नहीं हम लोग अनसर्टेनिटी वर्ड क्यों नहीं यूज कर लेते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर यह जानना जरूरी है कि रिस्क एक ऐसा इवेंट होता है जिसका आउटकम जो होता है वो हमें लगभग लगभग पता होता है. हमें यह चीज पता होती कि ये जो प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम कब आएगी ये नहीं पता है, लेकिन जब आएगी तब उससे क्या नुकसान होगा हमें यह चीज लगभग लगभग पता होती है. वहीं अनसर्टेनिटी में भी ये रहता है कि ये प्रॉब्लम कब आएगी ये नहीं पता है, लेकिन कितना नुकसान करेगी ये भी नहीं पता होता है. ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको लिखिएगा, इफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ पॉसिबल आउटकम्स of a given problem are known, then we can conclude that the problem contains risk. We can conclude that problem contain risk. ओके, इन अदर वर्ड, नहीं इसके आगे लिखेगा, ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, इफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ पॉसिबल आउटकम if the probabilities of possible outcome of a given problem are not known, we can conclude that problem has an element of, we can conclude that the problem has an element of, the problem has an element of uncertainty. Okay, friends? तो ये सब कुछ चीजें हैं, नोट कर लीजिए. अगर हमें जो पॉसिबल आउटकम है किसी भी प्रॉब्लम की, पॉसिबल आउटकम हमें पता है, तो हम ये कहते हैं कि ये रिस्क है. ओके, वहीं अगर किसी प्रॉब्लम का पॉसिबल आउटकम हमें नहीं पता है, नॉट नोन, तो ये कंडीशन कहलाती है अनसर्टेनिटी. ओके, नोट कीजिए,
आगे बढ़ते हैं. एज पर डिफिनीशन रिस्क इज द सिचुएशन रिस्क इज द सिचुएशन इन्वॉल्विंग एक्सपोजर टू द डेंजर और द पॉसिबिलिटी दैट समथिंग or the possibility that something unpleasant or unwelcome will happen. Okay? It is concerned with project success. ओके आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स. हम लोग नोट कीजिए यहां तक. ओके आगे लिखिएगा. रिस्क मैनेजमेंट includes the process of planning risk management identifying risk identifying risks performing qualitative and quantitative performing qualitative and quantitative analysis of risks planning responses to risk
प्लानिंग रिस्पॉन्सेज टू रिस्क एंड फाइनली मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग रिस्क ऑन द प्रोजेक्ट. Okay, friends. Next important point is risk is always in the future. Risk involve uncertainty it may occur or it may occur or may not occur. ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है. ठीक है. Assess your organizational tolerance for risk. Assess your organizational tolerance for risk are they risk tolerant or risk एवर्स. ओके. क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन आने वाले रिस्क को झेल सकती है या नहीं झेल सकती है, इसलिए आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का टॉलरेंस लेवल चेक करना पड़ता है किसी भी रिस्क के प्रति. ओके. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर विल बी नोन रिस्क एंड अननोन रिस्क. There will be known risks and unknown risks. Okay. Next important point is risk can be positive or negative and are identified as threats or opportunity. threats or
अपॉर्चुनिटी। रिस्क वैसे तो सुनने में जो वर्ड है ये सुनने में तो आपको लगता है कि हमेशा रिस्क मतलब खराब ही लगता है, निगेटिव ही इमेज बनती है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। कुछ रिस्क पॉजिटिव रिस्क भी होते हैं जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का भला हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आते हैं, जबकि जो निगेटिव रिस्क होते हैं वो थ्रेट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक चेतावनी या एक नुकसानदायक कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं निगेटिव रिस्क, जबकि पॉजिटिव रिस्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिस्क इज कंसीडर्ड फ्रॉम द मोमेंट the project is conceived. Okay? तो ये कुछ important points है friends। नोट कर लीजिए आप लोग वन बाय वन। मैं बताता हूं क्या लिखवाया गया यहां पे आपको। यहां पे मैंने आपको यह बताया कि डिफिनीशन के हिसाब से अगर देखने जाएं हम लोग तो रिस्क एक ऐसी सिचुएशन को कहते हैं जिसमें कुछ डेंजर, कुछ खतरा या फिर जो कुछ क्या कहते हैं अनप्लीजेंट, मतलब कि जिसमें आनंद ना आए, ओके। ऐसी कोई कंडीशन या कोई ऐसी कंडीशन जिसको हम लोग वेलकम नहीं करना चाहते हैं, अपने से दूर रखना चाहते हैं, ऐसा कुछ होने वाली जो घटना है उसको हम लोग रिस्क कहते हैं। इसकी वजह से प्रोजेक्ट की सक्सेस के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है, ओके। रिस्क मैनेजमेंट में हम लोग बेसिकली करते क्या है, हम लोग ये चार पांच चीजें करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिस्क को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम लोग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करके रिस्क का एनालिसिस करते हैं, उसके बाद रिस्क के रिस्पॉन्सेज को चेक कर किया जाता है कि क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, ऐसा क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और फाइनली हम लोग रिस्क को मॉनिटर और कंट्रोल करने का काम करते हैं, ओके। वैसे अगर ये सब चीजें तो डिफिनेशन से चले, लेकिन आज के जमाने में इसमें इन चार के अलावा एक और पॉइंट जुड़ चुका है आज के जमाने में, उसमें हम लोग क्या करते हैं रिस्क को हम लोग एट लास्ट उसका ऑडिट भी करते हैं, रिस्क को हम लोग एट लास्ट में उसको रिव्यू भी करते हैं, रिस्क का रिव्यू ऑडिट के द्वारा करते हैं कि क्या रिस्क पूरी तरह से समाप्त हुआ है कि नहीं हुआ है, कहीं फिर से वापस तो नहीं आ जाएगा। अभी मैं बताऊंगा, आगे हम लोग बढ़ेंगे, सारी चीजें डिस्कस होंगी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए, रिस्क हमेशा फ्यूचर में आता है, ठीक है फ्रेंड्स। हमेशा रिस्क की जब भी बात हो रही है तो जो चीज हो चुकी है, जो घटना पास्ट में हो चुकी है या अभी प्रेजेंट में चल रही है, अगर मेरा एक्सीडेंट हो चुका है तो अब क्या भाई, अब क्या मैं रिस्क के बारे में क्या बात करूं, वो लेकिन फिर से मेरा एक्सीडेंट फ्यूचर में ना हो, अगर मैं बात कर रहा हूं तो फिर से मेरा एक्सीडेंट फ्यूचर में ना हो, मैं इस चीज की बात कर सकता हूं, ठीक है ना फ्रेंड्स। मेरा तो जो माली हाथ पैर टूटना था वो तो टूट ही गया, अब क्या कर सकते हैं, वो जब जुड़ेगा जिस हिसाब से वो अपने हिसाब से जुड़ेगा, लेकिन फिर से मेरा या मेरे किसी फैमिली मेंबर का या मेरी ऑर्गेनाइजेशन के किसी मेंबर का फिर से एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए क्या प्लानिंग की जाए, ये चीजें रिस्क मैनेजमेंट में आती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिस्क हमेशा फ्यूचर में होता है, ऑलवेज इन फ्यूचर। रिस्क में अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि क्या पता वो आएगा, क्या पता नहीं भी आएगा, ओके। हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन का टॉलरेंस लेवल चेक करना पड़ता है रिस्क के लिए कि क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन टॉलरेंट है या फिर अवर्स है, क्या वो झेल पाएगी रिस्क को कि नहीं झेल पाएगी। इसी के साथ साथ कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिनको हम लोग जानते हैं कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम तो आती ही आती है, और कुछ अननोन रिस्क होते हैं। अब जैसे मान लीजिए खेती कर रहे हैं
तो नॉन रिस्क में तो कुछ ऐसा हो गया कि भाई जैसे कि गर्मी के मौसम में, या फिर जैसे कि मान लीजिए कि बेमौसम बरसात वाला जो काम है कि भाई अचानक से कभी भी बरसात हो जाने से जिस समय उसका जरूरत नहीं है, तो उस समय अगर बारिश हो जाए लास्ट में कि जब एकदम फसल कटने वाली है उस समय अगर बारिश हो जाए तो बहुत नुकसान हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं। आप जैसे मान लीजिए जो खरपतवार को खा रहे हैं, जो क्या कहते हैं, जो मतलब कि जो कीट मकोड़े जो लग जाते हैं फसल को, उसको वो एक नॉन रिस्क हुआ। ठीक है ना फ्रेंड्स, हमें पता है कि ये चीज आएगी आएगी, मैंने पौधा लगाया है तो इसको कहते हैं उसके आसपास खरपतवार उगेगी या फिर कहते हैं कीड़े मकोड़े उसको खाएंगे, तो उसको खाने से बचाने के लिए मैं उस पर कुछ ना कुछ छिड़काव करता रहूं तो क्या कहते हैं ये इस रिस्क से मैं बच सकता हूं, तो ये एक नॉन रिस्क हो गया। लेकिन वो जो बेमौसम बरसात है जो अचानक से कभी भी आ सकती है उसके लिए वो मुझे पता ही नहीं है, और इसी केस में कई बार कई लोगों को, कई किसानों को बहुत भारी नुकसान भी हो जाता है। इसी तरीके से देखा जाएगा तो रिस्क पॉजिटिव भी हो सकता है, कैन बी पॉजिटिव और कैन बी निगेटिव। ओके, और एट लास्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिस्क कब से कंसीडर करना शुरू किया जाता है, रिस्क को का जो प्लानिंग है या रिस्क को आइडेंटिफाई करने की जो भी चीजें हैं वो कब से हमारे माइंड में आने शुरू होती हैं? जब से प्रोजेक्ट शुरू हुआ तभी से आपको ये रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले आप लोग इनको नोट कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और इन चीजों को सबको नोट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ यू होप कि आपने ये सब चीजें नोट कर ली होंगी, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगर अभी भी नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज कीजिए और ये सारी चीजें नोट कीजिए। ओके ओके, देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, इसमें लिखिएगा आगे नेक्स्ट पॉइंट, इवन दो द वर्ड रिस्क, इवन दो द वर्ड रिस्क हैज rather bad sense, has rather bad sense, the risk can also be positive. The risk can also be या ऐसे लिखिएगा, इवन दो द वर्ड रिस्क हैज रेदर बैड सेंस, बट द रिस्क लिखिएगा, बट द रिस्क इज नॉट ऑलवेज It not always negative, comma,
इट कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव. ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, वहां पे रिस्क कुछ पॉजिटिव भी हो सकते हैं जो कुछ अपॉर्चुनिटी ले आते हैं, और कुछ निगेटिव भी हो सकते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए थ्रेट की तरह से बिहेव करते हैं. तो वही चीज हमने यहां पे लिखी है कि वैसे तो जो रिस्क वर्ड है, ये वर्ड जनरली बैड सेंस के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ये हमेशा निगेटिव हो ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी ये पॉजिटिव भी हो सकता है. तो जैसे कि निगेटिव रिस्क तो बहुत सारे होते हैं और आप लोग जिंदगी में आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन पे पॉजिटिव रिस्क का क्या मतलब है. ओके, तो आइए हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि निगेटिव रिस्क कौन कौन से हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और पॉजिटिव रिस्क कौन कौन से होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. तो देखिए फ्रेंड्स, पॉजिटिव रिस्क जिनको हम लोग अपॉर्चुनिटी जैसे बिहेव करते हैं, अपॉर्चुनिटी जैसे ट्रीट करते हैं, ये क्या क्या हो सकते हैं. पॉजिटिव रिस्क जैसे कि फ्रेंड्स, सप्लाई चेन में अगर हम लोग सप्लाई चेन डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो किसी सामान की डिलीवरी समय से पहले हो जाने की जो कंडीशन है वो कहलाती है आपकी पॉजिटिव रिस्क. ओके, कोई सामान जो आपने कहीं पे भेजा है या आप किसी जगह पे कॉन्स्टेंटली जैसे जैसे ऑर्डर आता है एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद आप हमेशा सामान भेजते रहते हैं, तो कभी अगर ऐसा हो जाए कि जो मैंने लॉट भेजा है वो लीड टाइम से पहले पहुंच जाए, ओके, तो क्या होगा. तो ये जो कंडीशन है ये कंडीशन कहलाती है पॉजिटिव रिस्क. यहां पे एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि जैसा मैंने एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे क्या है कि कोई कंपनी में लेट अस सपोज एक बार जो ऑर्डर किया जाता है तो 1000 यूनिट्स मंगाई जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स. अब क्या है कि वहां पर डेली डिमांड रेट या डेली कंजम्पशन रेट जो है वो 50 यूनिट्स का है, यानी ये जो लॉट साइज भेजा गया था वो ये 50 यूनिट्स पर डे का है, यानी ये 1000 यूनिट्स का लॉट साइज 20 डेज तक चल जाएगा. अब हमें कब ऑर्डर करना चाहिए ताकि लास्ट टू लास्ट हमें कभी भी सामान की कमी ना आने पाए, कभी भी स्टॉक आउट की कंडीशन ना हो, उस केस में हम लोग लीड टाइम को अपने माइंड में रखते हैं. ये लीड टाइम क्या होता है, जब से मैंने ऑर्डर किया है और मेरे ऑर्डर प्लेस करने के जितने टाइम के बाद मुझे सामान रिसीव हो रहा है, तो ऑर्डर प्लेस करने और सामान रिसीव होने के बीच में जो टाइम गैप है उसको हम लोग कहते हैं लीड टाइम. ओके, मान लिया इस वाले यूनिट, ये जो कंपोनेंट है, ये जो मटेरियल है, इसका लीड टाइम 4 दिनों का है. ओके फ्रेंड्स, 4 दिनों का है. तो अब मान लिया यहां पे आपने 1000 से स्टार्ट किया, एक दिन के बाद 950, दो दिन के बाद 900, तीन दिन के बाद जो बचेगा आपके पास 850 बचेगा, फिर और कम आते हैं तो 800 बचेगा, धीरे धीरे ऐसे नीचे चलते जाएंगे आप. तो ये कुछ आपका 250, 200, 150, 100 और 50, ये इस तरीके से ये खत्म होगा कंपोनेंट आपका. तो यहां पे मैं अगर ये सपोज करके चल रहा हूं कि लीड टाइम 4 दिनों का है, 4 डेज का है, यानी मुझे ये जो इन्वेंट्री मेरी, मैंने एक बार 1000 यूनिट मंगा लिया था और पर डे 50-50 यूनिट मेरे खर्च हो रहे हैं, तो उस केस में क्या है कि क्या नाम है, इस तरीके से मेरा एवरी डे का इन्वेंट्री का स्टेटस आ रहा है. तो मुझे एट लास्ट टू लास्ट कब ऑर्डर कर देना चाहिए, मुझे जब 200 यूनिट पे आ जाए मेरी इन्वेंट्री तब मुझे ऑर्डर कर देना चाहिए, ताकि अगले 4 दिनों में लीड टाइम है इस कंपोनेंट का 4 दिनों का, 4 दिनों में रिसीव हो जाता है मुझे ऑर्डर करने पे. अब जब 200 यूनिट के ऑर्डर पे था तभी मैंने, और 200 यूनिट के लेवल पे आई थी इन्वेंट्री तभी मैंने ऑर्डर किया, तो अगले 4 दिनों में ये 200 यूनिट कंज्यूम होंगी
और जैसे ही लास्ट वाली यूनिट खत्म होगी तब तक मेरे पास मटेरियल आ चुका होगा। अब यहां पे अगर ये कंडीशन मान लें कि कभी कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे पास ये सामान 200 यूनिट के बजाय मतलब कि ये 4 दिनों की बजाय 2 दिन में ही आ जाए, ओके, तो जब 2 दिन में ही आ जाएगा तो 1 दिन में आप 200 से 150 पे आए और अगले दिन आप फिर 150 से 100 पे पहुंचे, ओके, आपके पास अभी भी 100 यूनिट्स बचे हुए हैं। तो और नया लॉट आ गया, लेट अस सपोज वो आया था किसी और को देने, लेकिन पे क्या कहते हैं किसी और के लिए वो निकला था पहले से ही, लेकिन पे उसने उसकी कंपनी में कुछ हड़ताल हो गई है या कुछ ऐसा मतलब हो गया है कि उसकी कंपनी में अचानक से छुट्टी हो गई है, तो उस केस में या कोई भी कंडीशन हो, एक्स वाई जेड कोई भी कंडीशन हो, किसी भी तरीके से ये जल्दी पहुंच गया, तो उस केस में क्या होगा, अभी भी आपके पास 100 यूनिट बचे हुए हैं और आपने मंगा लिया 1000 यूनिट फिर से, तो अब कितने हो गए आपके पास, अब आपके पास 1100 का यूनिट्स आपके पास हो गए, क्यों, क्योंकि आपने 1000 नए मंगा लिए हैं और 100 बचे हुए हैं आपके पास। तो यहां पर रिस्क वाली क्या बात आती है कि आपके पास इन 1100 यूनिट को रखने के लिए प्रॉपर स्पेस भी तो होना चाहिए, सड़क पे थोड़ी उतार के चला जाएगा वो, आपके घर में जगह ही नहीं रहेगी तो आप कहते रखेंगे कहां से, तो ये चीजें मैटर करती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम भाई जितना ऑर्डर करते हैं, हर बार हम तो 1000 पीस का ऑर्डर करते हैं, तो 1000 पीस का ऑर्डर करते हैं तो हमने अपने स्टोर रूम में भी 1000 पीस या 1000 यूनिट्स को ही रखने के लिए जगह बना रखी है। अब ये पहले आ गया सामान तो लो भाई अब ये प्रॉब्लम आ गई, अब ये सामान पहले आ गया तो ये 100 यूनिट बची हुई है और 1000 और यूनिट अलग से आ गई तो टोटल 1100 हो गया, तो अब 1100 की जगह ही नहीं है, जगह तो 1000 की है केवल, तो 100 यूनिट जो होगी वो ऐसे ही बाहर कहीं पड़ी रहेगी, तो ये जो प्रॉब्लम होगी ये रिस्क इसलिए आ जाता है आपका, लेकिन फिर भी ये एक पॉजिटिव रिस्क है, ये हमारे लिए अच्छी कंडीशन है, ओके, हमारा सामान एक भी मिनट या एक भी घंटे से लेट नहीं हुआ है, पहले आ गया, अच्छी बात है, अपन देख लेंगे कहीं ना कहीं अरेंजमेंट करवा लेंगे, ओके। ऐसे ही पॉजिटिव रिस्क, एक और पॉजिटिव रिस्क अगर देखा जाए तो मैं कुछ नाम लिख देता हूं यहां पे, जैसे पॉजिटिव रिस्क इन सप्लाई चेन, इन सप्लाई चेन, ये एग्जांपल अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लें, ना करना चाहें तो भी कोई बात नहीं, तो इसमें लिख लीजिएगा, इन सप्लाई चेन में लिख लीजिएगा डिलीवरी बिफोर ड्यू डेट या ड्यू टाइम, डिलीवरी बिफोर ड्यू टाइम, जब आना चाहिए था उसके पहले ही आ गया। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि भाई जिस वर्कर को अटेंड करना था, जिस वर्कर को अटेंड करना था वो उस दिन छुट्टी पे था, और ये वो उसके मन में तो ये था कि भाई अगले दिन आता है, आज मैं छुट्टी मार लेता हूं, आज तो सामान पहुंचेगा नहीं, तो उसने जैसे मान लीजिए कि मंडे को सामान मतलब मंडे को आपने ऑर्डर किया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे को पहुंचने का टाइमिंग है उसकी, तो उसने क्या किया कि भाई कहते हैं थर्सडे की अपनी छुट्टी लगा दी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में ही उसने अपनी थर्सडे की छुट्टी लगा दी कि सर मैं कहते हैं थर्सडे के दिन नहीं आऊंगा और सामान तो फ्राइडे को आएगा, फ्राइडे के नाइट में, तो मैं फ्राइडे को आऊंगा, फ्राइडे को रिसीव कर लूंगा। अब सामान आ गया थर्सडे को ही, तो अब कौन रिसीव कौन करे उस सामान को, तो ऐसी कंडीशंस आ जाती है कि स्टोरेज स्पेस या फिर जो एप्रोप्रिएट पर्सन है वो अवेलेबल ना हो, ये कंडीशंस आ जाती हैं इस सप्लाई चेन के पॉजिटिव रिस्क की वजह से। जब कभी डिलीवरी बिफोर टाइम हो जाए ड्यू टाइम या ड्यू डेट, ओके, ऐसे ही एक और पॉजिटिव रिस्क हो सकता है आपका, कुछ बिल्डिंग्स या कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर के डिजाइनिंग में, कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ जो पुल वगैरह बनाए जाते हैं वो तो बनाए जाते हैं 20 साल या 25 साल का टारगेट करके, ओके, लेकिन पे वो चल जाते हैं 50, 50, 80, 80, 100, 100 साल तक चल जाते हैं। अब कई सारे पुराने जो महल हैं, कभी आप महल घूमने जाइए, राजस्थान जाइए या फिर कहीं
महाराष्ट्र में या और भी कई जगहों पे, एमपी में भी आपको कई और कई जगहों पे आपको महल मिल जाते हैं पुराने जमाने के, तो वहां पे तो जो सीढ़ियां वो लोग बना के गए वो आज तक चल रही हैं। 300-300 साल पुराने, 600-600 साल पुराने किले हैं, और वहां पे कई किले तो ऐसे हैं जो आज तक वैसे ही खड़े हैं। ताजमहल हो गया अपना, कई सारे पुराने मंदिर हैं वो आज तक वैसे ही खड़े हैं, कई सारी मतलब ऐसी मतलब कि पुरानी क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि आज भी वैसे ही है जैसे 500-600 साल पहले बनाया गया था। लेकिन पे क्या कहते हैं पर्पस जो है वो तो चलिए जो भी कहते हैं आपका जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वो तो बनाए जाते हैं कि भाई हमेशा मेंटेन रहे, वो तो एक अलग इशू हो गया। लेकिन भी कई बार जो पुल है, जैसे अंग्रेजों के जमाने में कई बार कोई पुल बनाया गया तो आपका वो पुल बनाया गया था इस पर्पस से कि भाई इसकी लाइफ 25 साल तक रहेगी, इसके बाद अपने इसको रिन्यू करेंगे, लेकिन वो अभी तक चल रहा है, 100 साल होने का है अभी तक चल रहा है। तो ये एक पॉजिटिव रिस्क हुआ किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के डिजाइनिंग या उसके कंस्ट्रक्शन में। इसी तरीके से एक और पॉजिटिव रिस्क अगर हम लोग बात करें इसमें, इंपॉर्टेंट लाइन लिख लीजिए आप, ओवर एज। इससे आपको इस कीवर्ड से हमेशा याद रहेगा कि समय से ज्यादा हो जाए अगर। एक और इन बजट एलोकेशन, ओके, बजट एलोकेशन में भी आपको पॉजिटिव रिस्क देखने को मिल सकता है। कोई प्रोजेक्ट, लेट अस सपोज आपने उसके लिए 5 करोड़ का बजट असाइन किया था और वो प्रोजेक्ट लेट अस सपोज 4.7 करोड़ में ही, 4,70,00,000 में ही पूरा हो गया, तो ये जो 30 लाख रुपए आपके बचे ये एक रिस्क था, लेकिन ये एक पॉजिटिव रिस्क है। ये फ्रेंड्स ये एक अनसर्टेनिटी की कंडीशन है, लेकिन ये एक पॉजिटिव रिस्क है, और इसी पॉजिटिव रिस्क की वजह से आपको खुशी होगी कि चलो भाई मेरे 30 लाख रुपए बच गए। अब आप कोई प्रोजेक्ट आपको 5 करोड़ में करना था और अगर वो 4,70,00,000 में हो गया है तो जो 30 लाख रुपए बच गए हैं उसको आप नदी में थोड़े बहा दोगे, कुएं में थोड़े डाल दोगे कि नहीं 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 मैंने तो 5 करोड़ बोला था और मेरी जेब से 5 करोड़ तो खर्चा होना ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है। वो अपने जो 25-30 लाख रुपए जो भी बच गए, चाहे 1 लाख रुपए बचे चाहे 1 करोड़ रुपए बचे, जितना भी अमाउंट बच गया वो ऑब्वियसली हमारे जेब में एज ए प्रॉफिट आ जाएगा, वो हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज कर देगा, उस पैसे को हम कहीं और लगा सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग दे सकते हैं, एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई नई मशीनरी खरीद सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो या फिर सिंपली बैंक में जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब आपके कुछ एग्जाम्पल हुए पॉजिटिव रिस्क के। इसमें कीवर्ड लिख लीजिएगा अंडर बजट प्रोजेक्ट के लिए जो बजट अलॉट किया गया था उससे कम में ही प्रोजेक्ट अगर पूरा हो जाए तो ये एक पॉजिटिव रिस्क की सिचुएशन होती है। वहीं अगर हम लोग निगेटिव रिस्क को देखने जाएं तो निगेटिव रिस्क तो बहुत सारे हैं, रियल लाइफ में आप कई सारे निगेटिव रिस्क देखते हो, इसको हम लोग थ्रेट्स के रूप में भी पहचानते हैं। स्वॉट एनालिसिस करते समय, SWOT स्वॉट एनालिसिस करते समय, ये हो गया अपॉर्चुनिटी और ये हो गया थ्रेट्स, ओके। तो इसमें तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, इसमें तो एग्जांपल्स की कोई कमी नहीं है। ये निगेटिव रिस्क में अगर आप देखने जाएं तो निगेटिव रिस्क में जैसे कि समझ लीजिए प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिस्क, ओके, कि प्रोजेक्ट अगर अपने समय से पूरा होगा कि नहीं होगा, ये जो रिस्क है ये एक निगेटिव रिस्क है। अगर प्रोजेक्ट समय से पूरा नहीं हुआ, वहीं अगर प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा हो गया तो पॉजिटिव रिस्क हो गया, और वही समय से अगर पूरा नहीं हुआ आगे खिसक गया तो फिर एक निगेटिव रिस्क हुआ। तो ये आप चीज लिख सकते हैं प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिस्क। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स होता क्या है कि यहां पे भी आपको ये जो पॉजिटिव रिस्क में जो भी कंडीशंस हैं ये जैसे ही जस्ट अपोजिट आप करोगे कि डिलीवरी आफ्टर ड्यू टाइम हो तो वो एक निगेटिव रिस्क में चेंज हो जाएगी। इन दोनों में यही ऐसा है कि जैसे आपने उसकी कंडीशन अपोजिट करी तो वो जस्ट अपोजिट वाले कैटेगरी में पहुंच जाते हैं। अगर
जितने साल के लिए 25 साल के लिए अगर बनाया गया था और अगर 5 7 साल 10 साल में कोई पुल अगर गिर जाता है तो वो एक नेगेटिव रिस्क में काउंट किया जाएगा। वहीं 5 करोड़ का बजट अगर असाइन किया गया था और लग रहे हैं 5.5 करोड़ 6 करोड़ तो वो भी आपका नेगेटिव रिस्क हो गया। तो लेकिन भाई ये एग्जांपल्स मैंने आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि रियल लाइफ में कई बार ये सिचुएशन देखने को मिलती है, इसलिए ये चीजें बताई गई हैं आपको। ऐसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिस्क, ये अगर टाइम के बाद हो रहा है, ये कंप्लीशन आफ्टर ड्यू डेट, तो ऑब्वियसली ये एक नेगेटिव रिस्क है। वहीं अगर मैं इसको क्या कहते हैं बिफोर ड्यू डेट ले लूं तो ये वही वाली कंडीशन तो आ गई कि जैसे ये डिलीवरी बिफोर ड्यू टाइम हुई थी, वैसे अगर कोई प्रोजेक्ट पहले ही पूरा हो गया, अगर किसी प्रोजेक्ट को 5 साल में पूरा करना था और उसके बाद फिर हमें एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना था, लेट अस सपोज 1 जनवरी 2020 को हमने एक नया एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका टाइम पीरियड 3 साल का है, ओके, जब तक हमारा 2020 खत्म हुआ, फिर 2021 फिर 2022, ये 3 साल में हमें प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। 2023 1 जनवरी 2023 से हमें किसी नए प्रोजेक्ट पर लगना है, कंपनी ने ऐसा सोच रखा है। तो अब मान लीजिए कि अक्टूबर 2022 में ही प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो अब क्या करेंगे? अक्टूबर 2022 में प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो वहां पे तो भाई प्रोजेक्ट अपने को शुरू करना है 1 जनवरी 2023 से, तो उस केस में 2 महीने खाली बैठेंगे और क्या, 2 महीने ट्रेनिंग देंगे लोगों को, कुछ और कहते हैं पेपर वर्क सीख लेंगे, कोई सॉफ्टवेयर सीख लेंगे, ये सब चीजें हो सकती हैं। मतलब ओवरऑल प्रोजेक्ट क्या कहते हैं नहीं सीखेंगे, मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे, ऐसा रहता है। तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिस्क अक्सर नेगेटिव रिस्क वाली कैटेगरी में आता है। ऐसे ही अगर देखा जाए रिसोर्स का रिस्क, रिसोर्स रिस्क मींस क्या हुआ, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनकी शॉर्टेज हो जाए अगर मार्केट में, रिसोर्सेज की अगर शॉर्टेज हो जाए मार्केट में तो वो कहलाते हैं, वो रिसोर्स रिस्क कहलाता है। रिस्क रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, मैन मेथड मटेरियल और मशीन, ओके। तो अगर आपके पास एम्प्लॉयज कम पड़ जाएं, ठीक है ना, 2-4 लोग बीच में से ही प्रोजेक्ट छोड़ के निकल गए, कहीं दूसरी कंपनी में चले गए, तो ये एक रिस्क है। ऐसे ही क्या कहते हैं, अगर आपका जो रॉ मटेरियल है वो बीच में कम पड़ जाए तो ये भी एक रिस्क है। ऐसी कुछ मशीनें आपने 10 मशीनों से लेकर के प्रोडक्शन स्टार्ट किया था और 10 की 10 आपको चाहिए, साल भर के बाद 2 मशीनें खराब हो गई तो अब सारा काम 8 मशीनों को करना पड़ रहा है, जो कि बहुत दिक्कत वाली बात है। तो ये एक रिस्क वाली कंडीशन है फ्रेंड्स। तो ये सब चीजें आपको देखनी होती हैं कि रिसोर्सेज का रिस्क ना आने पाए, और ये जनरली निगेटिव वाले कैटेगरी में आता है जनरली। ऐसे ही प्राइस रिस्क, प्राइस रिस्क एक ऐसी चीज है, यही जो बजट एलोकेशन जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, यही चीज अगर ओवर बजट में हो रहा हो, इसमें देखिए इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि अक्सर यहां पे भी देखने को मिलता है, यहां पे भी देखने को मिलता है, दोनों ही जगहों पे ये क्या कहते हैं बराबर मात्रा में आपको देखने को मिलता है। तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हमें एग्जैक्टली कोई काम 5 करोड़ में करना है तो हम पैसे बचा बचा के काम कर रहे होते हैं, और जब तक वो खत्म होता है काम तो कुछ पैसे बच ही जाते हैं। कभी कभी जो लोग अच्छे से काम करने, जो एफिशिएंट लोग हैं, वो लोग कुछ पैसे बचा ही लेते हैं, और कुछ लोगों की जेब हमेशा खाली रहती है, लाइक मी, कभी जेब में पैसा ही नहीं रहता है। तो ये हो गया प्राइस रिस्क, जो कि अगर ओवर बजट में पूरा हो रहा हो प्रोजेक्ट तो ये प्राइस रिस्क कहलाएगा। ऐसे ही एक और अगर देखा जाए टेक्नोलॉजिकल रिस्क, ओके, लेट अस सपोज आप मान लीजिए आपने, आपसे किसी ने कहा कि भाई विंडोज 13 आ गई है, विंडोज 13 पे हमें काम करना चाहिए, तो अभी आपका कोई स्टाफ विंडोज 13 पे काम करने में वही नहीं है, कंफर्टेबल ही नहीं, लेकिन फिर भी आपने अपनी कंपनी जो स्टार्ट करी है तो सारे कंप्यूटर्स में विंडोज 13 ही आपने लगा रखा है, ओके। अब मान लिया कि विंडोज 13 में आगे चल के 1-2 साल बाद कुछ प्रॉब्लम आने लगी, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा विंडोज 7 के साथ हुआ था। विंडोज 7 जब लॉन्च हुआ तो 2009-10 में कंपनियों ने उसको अपने जो लैपटॉप्स या जो कंप्यूटर्स खरीदने शुरू किए लोगों ने, तो लोगों ने क्या कहते हैं क्या नाम है विंडोज 7 ही विंडोज 7 नहीं विंडोज 8 के साथ ऐसा हुआ था, विंडोज 8 के साथ ऐसा हुआ था,
विंडोज 7 तो अच्छा चला था, तो विंडोज 8 के साथ ऐसा हुआ था कि 2009-10 में कंपनियों ने अपने कंप्यूटर्स को अपग्रेड करके या ऐसे कंप्यूटर लेने शुरू किए जिसमें विंडोज 8 पड़ा रहता था। तो विंडोज 8 पड़े रहने की वजह उसमें फिर आगे चलकर कुछ एक बग वाली प्रॉब्लम आ गई थी और वो काफी क्या कहते हैं प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा लोगों को। तो ऐसा मान लीजिए किसी अनटेस्टेड न्यू टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आपने प्रोजेक्ट शुरू किया और वो आगे चल के आपको परेशानी होने लगे उसकी वजह से, तो ये जो रिस्क है ये चीज कहलाएगा टेक्नोलॉजिकल रिस्क, यूज ऑफ अनप्रूवन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ अनप्रूवन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ओके, ऐसे ही अगर एक पॉइंट और देखें हम लोग तो पॉलिटिकल रिस्क भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। इंडिया जैसी कंट्री में जहां एक पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो वो आते ही सबसे पहला काम क्या करती है, वो आते ही सबसे पहला काम पुरानी पार्टी की जो गवर्नमेंट थी उसके जो भी प्रोजेक्ट वगैरह उसने स्टार्ट किए रहते तो वो आते ही पहले उसको बंद करती है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को भी रीजन पता होगा कि किस तरीके से ठेकेदार और नेताजी लोगों की क्या क्या बातचीत होती है। तो उन्हीं सब चीजों को के लिए कई बार कई सारे केसेस हैं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने यह काम किया हुआ है कि पुराने पॉलिटिकल पार्टी के जो डिसीजंस होते हैं उनकी वजह से जो प्रोजेक्ट चले होते हैं उनको रोक दिया जाता है और फिर अपने हिसाब से अपने नए तरीके से शुरू करते हैं। तो ये पॉलिटिकल रिस्क भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि कंपनियां अक्सर अपने माइंड में रखती हैं। ओके, पार्टी चेंज हो गई, कोई दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट बन गई। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट का रिस्क एक इंपॉर्टेंट रिस्क आ जाता है। इंटरेस्ट रेट का रिस्क अगर देखें, ये देखिए यहां पे ये जो आपका बजट एलोकेशन में जो अंडर बजट वाली जो कंडीशन आई थी, होता क्या है फ्रेंड्स कि कई बार आपने सुना होगा कि रिजर्व बैंक ने रेपो रेट कम कर दिया है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट REPO रेट कम कर दिया है। ओके, तो रेपो रेट जब रिजर्व बैंक कम करता है तो जो बैंक होते हैं वो भी क्या कहते हैं हर चीज पर EMI घटा देते हैं। ओके, जो एवरी मंथ जो इंटरेस्ट आ रहा होता है वो एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट जो बनती है वो उसकी किस्त जो होती है कम हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो ये अगर ऐसी कोई कंडीशन अगर आ जाए तो जब अगर मान लीजिए रिजर्व बैंक ने रेपो रेट घटा दिया, हमने तो सोच के स्टार्ट किया था कि 7% पे है रेपो रेट तो इस हिसाब से इतना हमको हर मंथ EMI भरना पड़ता है, लेकिन बैंक रिजर्व बैंक ने उसको 7 के बजाय 6.5 कर दिया, फिर 6.25 कर दिया, फिर 6 कर दिया, हमारे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन के दौरान ये इतने चेंजेस अगर आ गए तो उस केस में EMI जो होगा वो हमारा कम हो जाएगा और जो टोटल खर्चा जो हमारा होगा वो भी कम रह जाएगा, तो प्रोजेक्ट अंडर बजट वाली कंडीशन में पूरा हो सकता है। ओके, लेकिन पे ऐसा नहीं कि बैंक रिजर्व बैंक हमेशा रेपो रेट कम ही करते हैं, रिजर्व बैंक रेपो रेट कभी कभी बढ़ाते भी हैं, तो वहां पर फिर ये ओवर बजट हो सकता है प्रोजेक्ट आपका। या फिर एक और कंडीशन होती है कि जब आपका ये EMI जब कम होगा रेपो रेट कम होने की वजह से, रिजर्व बैंक जो रेपो रेट को कम करती है उसकी वजह से हर एक बैंक का जो EMI जो हम लोग से हर एक बैंक हम लोग के लोन पर से जो EMI ले रही होती है वो जब कम करती है तो इसी तरीके से हमने जो पैसा बैंक में जमा कर रखा है उसका इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। ओके, उसका इंटरेस्ट भी कम हो जाता है और हमारा बेनिफिट होने के भी चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कि प्रोजेक्ट को ओवर बजट कर सकती हैं। जब आपको कम इन्वेस्टमेंट कम रिटर्न मिल रहा होगा तो ऑब्वियसली आपकी जेब से ज्यादा पैसा लगने लगेगा। पहले क्या था, मुझे हर साल 20 रुपए का रिटर्न मिल जाता था और 80 रुपए मैं अपने जेब से लगाता रहता था। ओके, अब कुछ ऐसा हुआ कि रिटर्न मुझे और मुझे लगाना है टोटल हर साल कहते हैं 100 रुपए लगाने ही लगाने हैं। अब कुछ ऐसा होगा कि मुझे जो बैंक से जो रिटर्न मिल रहा है वो 15 रुपए का ही मिलने लगा,
तो अब प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मुझे 100 रुपए तो लगाने ही लगाने हैं, तो अपनी जेब से 80 के बजाय मुझे 85 रुपए लगाने पड़ेंगे। तो ये मेरा जो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, ये एक आपका ये इंटरेस्ट रेट के रिस्क को दर्शाता है कि इंटरेस्ट रेट मेरा कम हो गया, 20 की बजाय मुझे 15 रुपए ही मिल रहे हैं, तो इसकी वजह से मेरा बजट जो है वो बढ़ जाएगा और प्रोजेक्ट ओवर बजट की कैटेगरी में चला जाएगा। ओके, एंड लास्ट थिंग इज, वेरी लास्ट थिंग इज एक्सचेंज रेट रिस्क। वेरी लास्ट थिंग इज एक्सचेंज रेट रिस्क। वन मिनट। लास्ट पॉइंट क्या आ रहा है हमारे पास, एक्सचेंज रेट रिस्क। वन मिनट। ओके फ्रेंड्स, ये मैंने यहां पे थोड़ी सी जगह बना दी है, ये अपने यहां लिख देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वो वहां पे फिर नीचे काफी थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। ये एक आपका एक्सचेंज रेट रिस्क ये भी एक निगेटिव रिस्क में ही अक्सर आने वाला रिस्क है, जो आपने सुना होगा इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति, जिसकी वजह से कई बार जो आपकी देश की मुद्रा जो है, आपकी देश की जो करेंसी है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है, क्या वो स्ट्रांग है, क्या वो वीक है। जैसे अक्सर आप सुनते होंगे कि डॉलर के मुकाबले रुपया गिरा, ओके गिरा ही अक्सर सुनने में आता है, उठा तो कभी कभी ही सुनने को आता है, लेकिन पे अक्सर गिरा गिरा ही सुनने को आता है। तो उस केस में क्या होता है कि ये जो ये आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है, आपके रुपए की वैल्यू कम हो रही होती है, ओके, और क्या कहते हैं आप जो क्या कहते हैं कुछ इंपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट करने के लिए आपके रुपए की वैल्यू कम हो रही है। हाँ नहीं 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 हाँ इंपोर्ट करने के लिए आपके रुपए की वैल्यू कम हो रही है, ओके, वहीं आपको कोई सामान मंगाने के लिए आपको ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं और कोई सामान बेचने पे आपको कम पैसे मिल रहे हैं। ये कंडीशन होती है तब जब इन्फ्लेशन रेट डाउन होता है। इसी की वजह से किसी भी करेंसी की जो कैपेसिटी होती है वो भी अप एंड डाउन हो रही होती है जैसे जैसे इन्फ्लेशन रेट चेंज होता है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि जब तक प्रोजेक्ट हमारा चलेगा 10 साल 15 साल 20 साल तब तक इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे एक कंट्री है माय डियर फ्रेंड्स, वेनेजुएला नाम की कंट्री है, शायद आप लोगों को उसकी कंडीशन पता हो। वेनेजुएला एक ऐसी कंट्री है जिसके पास सबसे ज्यादा पेट्रोल के कुएं हैं, पेट्रोल सबसे ज्यादा रिजर्व जो है उसी के पास है, ओके, वहां पर पेट्रोल बहुत सस्ता मिलता है, पानी से भी सस्ता वहां पेट्रोल मिलता है। लेकिन पे वेनेजुएला की गवर्नमेंट ने वहां पर जैसे जैसे पिछले कई सालों से पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे थे तो वहां की गवर्नमेंट ने वहां पे सबके मन में यही था कि भाई अपना तो भाई तेल के कुएं कोई दिक्कत है नहीं, काम काज करने की क्या जरूरत है, और कहते हैं गवर्नमेंट तो पैसे कमा ही रही तेल बेच बेच करके, और फिर क्या कहते हैं चलता रहेगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बीच में 2013-14 से फिर लगातार 4-5 सालों तक पेट्रोल के दाम जो थे वर्ल्ड वाइड लेवल पे जब डिक्रीज हुए हैं, तो उनकी जो क्या कहते हैं उनकी जो मुद्रा है वहां पे वेनेजुएला की जो करेंसी है उसकी वैल्यू बहुत डाउन हो गई है। बहुत डाउन का मतलब आज की रेट में उनकी जो करेंसी है वहां पर 1 लाख रुपए, उनकी करेंसी के हिसाब से आप 1 लाख उनकी करेंसी नोट लेके जाते हो 1 लाख के, तो आपको एक टाइम का खाना मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स, बोरे में भर के आप लेके जाओगे तो आपको एक पिज्जा मिलेगा। तो ये वाला सिस्टम वहां पे हो गया है। तो ऐसी कंडीशन कि ये एक थ्रेट वाली कंडीशन है, नेगेटिव रिस्क है, इससे बचना चाहिए। तो इसमें लिख लीजिएगा एक पॉइंट, करेंसी फ्लक्चुएशन, करेंसी
या इन्फ्लेशन का फ्लक्चुएशन। ओके, तो फ्रेंड्स ये इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। इस लेक्चर में यही इतना डिस्कस करना था हमें, और काफी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। आई होप आपने काफी एंजॉय किया होगा। अब अगले लेक्चर में हम लोग रिस्क मैनेजमेंट प्लान स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट प्लान। कंपिटेटिव एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। इसमें हम लोग देखेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट प्लान के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहां पे ये जो चार चीजें लिखी हुई हैं, आजकल के जमाने में चार के अलावा एक और पांचवी चीज भी ऐड हो गई है जिसमें हम लोग रिस्क का रिव्यू करते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट प्लान में यही पांच स्टेप होते हैं। ओके, यही पांच स्टेप होते हैं कि पहले तो रिस्क को आइडेंटिफाई कीजिए, फिर उसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कीजिए, फिर रिस्पॉन्सेस को चेक कीजिए, फिर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल कीजिए, एंड एट लास्ट रिस्क को रिवाइज कीजिए, रिस्क का रिव्यू कीजिए। ओके, तो ये पांचों स्टेप्स हम लोग आगे के लेक्चर्स में वन बाय वन देखते रहेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आप काफी अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे, आपको काफी अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, तो लेक्चर स्टॉप करते हैं, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर की ओर चलते हैं। तो फिर तब तक के लिए आपको विश यू गुड लक एंड थैंक यू।